फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तहज्जुद की नमाज की फजीलत कितनी बड़ी है? जिस घर में इस नमाज को कोई अदा करता है तो फरिश्ते उस घर को ऐसे पहचानते हैं जैसे हम ज़मीन से आसमान की तरफ सितारों को पहचानते हैं, यानी वो घर सितारों की तरह चमकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रात के हिस्से में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह दिन में उसके चेहरे को नूर से मुनव्वर कर देता है और चेहरे को रोशन कर देता है। इस नमाज के पढ़ने से अल्लाह उस शख्स की दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। जो लोग तहज्जुद की नमाज को हमेशा पढ़ने की आदत बना लेगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के बागों में और जन्नत की नियामतें अता फरमाएगा। जो रात में इबादत करता है तो उनकी तारीफ खुद कुरान मजीद में की गई है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने की फजीलत इतनी बड़ी है कि कुरान मजीद में इसका जिक्र बहुत सी सूरतों में हुआ है। जो शख्स रात के तिहाई हिस्से में इस नमाज को अदा करता है तो अल्लाह उस शख्स की दुआ जरूर सुनता है और उस बंदे से बहुत खुश होता है। फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। इस नमाज को पढ़ने वाला मोमिन बंदों में शामिल हो जाता है। इस नमाज में कुरान मजीद की तिलावत करने के भी बहुत फ़ायदे हैं।